अल्लाह पाक ने बाबरकत नाक में महफिल पाक शुरू करनी है, जिसने कबला कुदरत जसों तुसों सारिया ने जानी है, जड़ा कुल उमला खालिक मालिक और सारिया का राजा का, जड़ा दिमाग दिल और दिमाग में गुजरने वाले ख्याल की भी जानना, समीउ बसीरा गफूर रहीमा और कादर करीमा हर चीज अपने कुदरत रखना। उस तो बाद सरदारुल अंबिया आकाए मुस्तफा नबी मुजतबा खतमुल मुरसलीन खतमुल नबीयीन की बारगाह अक्दस के अंदर लखा अरबा खरबा दुरूदो सलाम ना तोहफा, जिन्होंने वजह तो कायनात के कुल तखलीक हुई असा सारे आज इकट्ठे हुए तो बैठे आ। मेरे दोस्तों आज की जड़ी तकरीबे सही थी है, जिस से जरा बात पजीर हुई तो लोग बखूबी वाकफियत रखने हो, एक वली कामल ने उससे पाक ने हवाले ना ले मैं महफल जी है आला हजरत बाबा फकीर मुगल फकीर जलाली उर्फ शमस नूर सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस पाक ने सिलसिले में इनाकात पजीर हुई और असा तो सारे संगी दोस्त हाजिर होया, असा सुनाने वास्ते हाजिर होया, तुसा सुनने वास्ते हाजिर होया। इस महफल की मुनक्कद करने वाली जी शख्सियत ही उसकी जड़ी इंतजामिया कमेटी है मोहम्मद रकीब आसम जलाली दाऊद अहमद मोहम्मद सईद अहमद तारक महमूद मोहम्मद परवेज चौधरी चौधरी मोहम्मद अयूब रावलपिंडी साजिद महमूद दुबई आजी जारूफ ते मास्टर जुल्फकार साहब चौधरी चौधरी अजब साहब मेरे ख्याल जिस तरह को ना लिखा सुल्तानिया मोटर जहांगीर साहब तस्वीर मागरे साहब तो बेगुनाह ग्रुप जड़ाया, इन सारे ने दावन लाल और खसूसी दावन जड़ाया सैयद अशफाक हुसैन शाह साहब चौधरी इसरार साहब चौधरी परवेज साहब खान आफ्ताब खान साहब चौधरी शाहपाल साहब बेगुनाह ग्रुप चौधरी नईम साहब तो मलिक मोहम्मद आजम साहब तो मेहमान खसूसी जनाब मुस्तजाब कुरैशी साहब असा इन सारे सदियों ने मशहूर ममनू ने खसूसन शाहपाल साहब ने तो चौधरी करामत साहब असा उन्होंने मशहूर ममनू ने जिन्होंने कोशिशों काविशों वाले महफिल जी इनाकात पजीर हुई। मेरे दोस्तों इस महफिल ने इनाकात होने में जिन्हें संगियां दोस्तों दामे दिल में सुख ने हिस्सा किया अल्लाह पाक उन्होंने हिस्सा अपनी बरगाह अली कबूल मंजूर फरमाए। इस वलिए कामल ने वसीला जमीला ने अल्लाह पाक उन्होंने सगीरे कबीरे गुनाह माफ फरमाए। तो फिर दोस्तों शेरखानी के हवाले को दो चंद की गल्ला जनाब ने सामने शेरखानी सुनी जानी समझी जानी और उसने पर गौर फिक्र की जानी इंशाअल्लाह अपनी तरफों सारी कोशिश होती कि कोई संगीत नाराज ना जाए। शेर शायद रखने जिगर होना असल को एक अमानत होनी जी असा तक पहुंचानी आनी अमानत अगर पत्रिका आस थोड़े तक पहुंच जाए सारी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह पूरी होगी उसकी समझना गौर फिक्र करना ये तो सारी जिम्मेदारियां। इस महफिल पाक में बड़ी बड़ी इलमी शख्सियत मौजूद हैं, कोई साढ़े दोस्त मटोर तो तशरीफ लियाए नारे तो होर कोई शख्सियत दूर नजदीक जितने लोग आए असं सारिया ने मशहूर मौजूद हैं सालग्रां तो कोई संगी आए हुए उन्होंने बड़िया कोशिशों कावशाइया ये सुनिए जाए क्या आ। और एक होर गल कि मेरी और मेरे इस दोस्त मुजतबा ने इस इलाके में पहली महफिल तकरीबन असं इकट्ठे हो महफल करने हो 10 साल तो इस गणे की माड़े नाल अल्लाह ने 28 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। दोस्तों शेरखानी सुनी जानी समझी जानी मैं सुन के अर्ज की एक चीज तुम्हारे सामने मैं ऐलान करना है कि अगे महफल होनिया नहीं पढ़ने रहे पर अज की महफल इंशाअल्लाह यादगार हो सकती इंशाअल्लाह शेर उसी गले गल उसी फालतू गल नहीं आऊंगी शेर शेर उसी गले गल उसी
उपरी सभा साहब आज जान चुकनी मुश्किल ही आज लाड नहीं आने का नवाज एक तो बस सारे बंदे कलमा पाक याद करो मेरे दोस्तों चंद एक लम्हा हाथ से साजीना उसी उस तो बाद
Thank you.
इस संत महीदी कलमात इब्तदाई कलमे जिले जनाब ने सामने रखे अजर जोहिर शनासा ते नजर मेरी मेरे गोहिर नहीं हर कसो आम वास्ते पिछे फिर महबूब महबूब रहमतुल्लाह ताला ने सरकार ने सरकार ने मौला गफूर रहीम है तू मौला गफूर रहीम है तू सिखावत की मिसाल दी जा रही सरकार ने इलाके का ज्यादा अच्छा सी और सरकार ना ना सुन सुन के गरीब को आवाम को जाहिर है आवाम ने जरा बंदा दिल जोई करना आवाम उसने ना किन्नी आवाम की खिदमत करने वाला बंदा सी बादशाह ने सामने जिसले उन्होंने तस्करे होने से बादशाह उन्होंने को जैलस हो गया बादशाह सरकार ने गिरफ्तारी का हुक्म दिता सरकार ने गिरफ्तारी ना और आख्या कि उन्होंने कतल कर दिया जा सके जिसने जनाब की पता ला तो मेरे दोस्तों उसने अपने इलाके की छोड़ के दूर दराज जंगल चले गए उसने एक बुढ़ी बुढ़ा दो सन जिन्होंने औलाद कोई नहीं सी वो लकड़ियां कट्टी गच्छी बेची तो अपना गुजर बसर करने से वो गिरागार उस बार ने नजदीक चले गए जिसे हातिम ताई मौजूद था उसने कोल गए तो बुढ़ी माई आहो नहीं काश के कदा हातिम ताई असा तो मिली गई असा उसकी बादशाह ने हवाला करा इनाम इकराम गिणा ते बाकी जिंदगी सौखी गुजारा
ये माड़े जेड़े वाले अद्धे इन्हां बूटियां नाल रही गए। रास्ता जिसने उस हातिम ताई ने गल सुनी उस आखिया अल्लाह पाक ने मिगी एक होर नेकी ने मौका दिता, बाहर आ रहे और आखिया मैं हातिम ताई हां, मिगी बादशाह ने सामने लै चलो और तुसी इनाम इकराम हासिल करो। तो जिसलै उन्हें गल आखी तो बुढ़े ने अखियां विच अथरू आ गए, आखने पुत्रा ये माड़ी करैली बहुत पागली है, इस वैसे आखी छुड़िया असा ना जाने के साड़ी वजह से तू किसी मुसीबत फस जाए। आहो ले बा जी मैं मारे को दुनिया ना कोई माल मता नहीं है, लेकिन मिगी खुशी है मैं सपने हाथा मैं खाली हथा अल्लाह ने मखलूक ने कम आ जा सकता, तुस मिगी बादशाह कोल नहीं जुड़ो। खबर दोस्तो जिसलै उन्हें आखिया असा तुम्हें ना खड़ने, आतिम ताई खुद बोले उन्हें आखिया मैं बादशाह के सामने किसी पेश हो सा आखिया बुढ़ी ने बुढ़े मिगी छुपाई रखिया तो तुसा को आजाम जो नाजिल कर सी। और बुढ़ी बुढ़ा डरने डरने चले गए। आतिम ताई जिसलै बादशाह की बारगाह पेश होया ते सरकार हातिम ताई ने आखिया और लोग भी बेशुमार कट्ठे हो गए, जिहड़े जने सदर फंडोर होने ना कदा बसा विच किसे जने की कदा औरत की वजह से मार पई गई है, जिन्हें घर बेदाल नहीं पाई देनी सब तो ज्यादा हुए मारने होने उसकी, जिन्हें घर बे दुई बारी चमचा दाली नहीं पाई देनी ना सारे ज्यादा पता लगना बहुत बड़े जनाब सुरफाए जमाना है, मजबूर हो गया कि लैके आया। आतिम ताई आखिया ये बुढ़ी बुढ़ा मिगी नाल की नहीं पाए, ये बाकी जितने थे सारे लफंडोरे घर लेने की दाल भी नहीं पाई ने देने। अमर रास्तो बादशाह जिसका इनाम इकराम उस बुढ़े की बुढ़ी भी देना है तो बुढ़ा रोन लगी गया। आहो ला बादशाह सलामत अस जंगल च गए, इस तरह जंगल च गया माड़ी घर ये गल की हातिम ताई उत्थे मौजूद सन, अस कोई इनाम इकराम ना किन्ने, ये बंदा इतना अल्लाह वाला है इतना सखी है कि ये खाली हथा भी अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। खबर रास्ता जिसलै बादशाह ने सामने उखदा कुशा होया ते बादशाह उन्हां की इनामो इकराम भी दिता, उसने कोलों माजरत की आख्या मैं जिस वजह से थोड़ा जालस होया जेड़े काम तू करना है अल्लाह की मखलूक की खिदमत करा मैं करा आवाम इस तरह मिगी चासी जिस तरह तू भी जाने। खबर दोस्तो आज अस अल्लाह की खुश करने के चक्कर में रहे हैं लेकिन उसकी मखलूक की तंग किया हुआ मेरा ग्राम की गली ने एक शेरियों बढ़ो ना तो गली दस फुटी आखिरी घर है जिसलै बाहर निकलो तो बंदा औखा ही बाहर निकलना तो फिर भी आखने हैं कि अस अल्लाह की राजी करी कर सो मिलना रब नाल साईं सरदार जी ना पहले बंदिया दे नालों प्यार कर दे। खबर रास्ता बिल्कुल नवी गल जहर है मुर्शद ना लाका मुस्तजाब कुरैशी साहब ना लाका रोज रोज किरा असा प्रोग्राम करना इत नाले पट्टी साहब आखिया शेर नाल शेर भी मैं मंगसा पट्टी जी मंगो तो कुछ देना भी पैना खाली मंगने बोलना उस आखिया जो दे उसका भी बला जो ना दे उसकी भी है ते कम ना कर सो ते सरकार आखने सरकार इसलिए आखने रेमो करम कर अपना खुदा बंदा रेमो करम कर अपना खुदा बंदा सिमी तंग हो गई वो तेरिया बंदिया पे गौर गल मासिया भी झूडिया भी आखने उपराए खान हमारे दस साल हो गए कट्ठे टुरने पे अज शेर शेर भी मंगसा सतारे ना सतार भी मिलासरा भुले असी बैठे Thank you.
बेसिक तालीम जी ना कदम बंदे को ना वह ना वह बंदा कौन छमार बुनियादी तालीम जिस बंदे को ना वह वह बंदा अनपढ़ा भी छमार आम तो खालिक ने बयान वाली वह बंदा गल करे मैं हूं गल तो ना पाना पर मजबूरी है पाड़ी है डिफेंडर किसम ने बंदी भाई थे डिफेंडर है जो थे डिफेंडर है लकड़ी पहुंची गया तो तुसा चढ़े हो लकड़ी तो कह चाही दिता ना आखिर कह कर मालिका साढ़े कसूर माफ कर क्यों मैं ग्राह दसन लगा तुसा की कसूर माफ कर देना के मकान मकान अंदर शेरे जेड़े इस तू पहले किसी महफिल पेश नहीं होए अली अकबर सैफ साहब ने सरकार ने सरकार ने ला मकान लिया मकान अंदर या मकान मकान आयो छेत्र बच्चा
होनिया बाने सदाइया गल्ला होनिया ही जे बाने सदाइया ते गल्ला विचों गल्ला निकलिया दसने बंदा सा कोई तो उसने कहया लिखो मोटी सी कोई कम बेचारी नहीं सी करी सकनी करैले को उसकी ताना दिता भाई तू कोई कम नहीं करी सकनी ना पानी भरी सकनी है अक्की कोल बेणी तू तंग आखनी मोटियां मारे कोल रोटी भी नहीं पकनी पानी तुम्हारे को बल नहीं होना कदा एक बार सीढ़िया चढ़े तो तुकी मुड़ी तो दो घंटे होश नहीं रहना वो सुननी नहीं बेचारी राती अल्लाह की करनी कोई चोर आ गया ता दो उठी खलते करैली ने जरा कुरा मंजी ने कोलू निकलो ला जरा उठिया रोला बैठ करैली ने जरा मंजी कोलू नंगो ला ला उस पिछू गलमने सू पौड़ी तैयू छड़िया तो जरा चाह बेची थले ला जला थले ला ता जनानी और देखे जिनी कीता ता दो प्यारा पार उसने ऊपर बही नहीं जने की आखनी गछो पुल सुनलाई नो जना कदे इस अंदर गछे कदे उधर गछे आखनी हाले तक नो गे पुलिस की बुलाने हस्ता की नो गे उस अग्या चपलियां नहीं लबनिया चोर आखना मारिया ही लाई गो प्रभु पर माड़ी जान छड़ा इस मुसीबत तक लो ऐ हम कितना नाथ गुजरन दे तो तुसा ना लूए चोर सी चोर है जान जा हाथ उठा के नवाब की जान जा हाथ उठा के नवाब की ता ता रे हजूर की दूर आंदे अपनी गली विच जान देना ये गल आखी फिर आख्या साडी बेपरवाह दे नाल यारी अल्लाह दी जात आली मैं मौना ने कलबा विच रहना फिर गल करो ते जी गल भाई जनानी मोटी पतली सी भला करसो हम तो ना चींदा हूं ना बसो ना मैं बाण देना फिर सामना ला मकान नु लेया मकान अंदर या मकान अपना ला मकान ले जा सैफ सा बने असा बावे इरफान बैके ते गल्ला शहरा ने होनी सब सारे सामने पेश करने होए असा बावे इरफान बैके ते आखा किस तरह लड़के जलदार पूरे मैं आख्या पता ही तालीम जिस बंदे को ना मैं अनपढ़ होना
मिकी आ कह रहे कि मैं हणा है भला बिल्कुल अनपढ़ा पट्टी जी, मैं इसकी तस्दीक करना मैं बिल्कुल अनपढ़ा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल इस चीज ना इस चीज की तस्दीक करना कि मैं अनपढ़ा। दरे यार से पलकों से दस्तक दी है, मैं वो साहिल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलमे मदोशी में, लोग ये कहते हैं कि साबिर को खुदा याद नहीं। तारक आजम साहब सरकार ना एक शेर जनाब की नजर कर सा सरकार सा हणे तेरी इल्मां दे पावे होशी अंदर इलम दर दस्ते गुजारी आया। शेरे बम ज्यादा दावेदार हो गए कि साढ़े को बड़ा इलमा असा अगड़िया असा कुछ ना जानने, क्योंकि मेरे महबूब ने सुनना दी सरकार दवा करने मेरे रब्बा मेरे इल्म च इजाफा फरमा। दावेदार नहीं है इलमदर दस्ते पुजारी आया, राए हर रंग विच खुले दुकाना गईया। सुनी तो गल कर सो मेरे अजीज आख्या कि मैं इकरार करना या कि मैं अनपढ़ा। फिर जड़े नाल मसाल दिती उस अस्तिये पाक ने, उस अस्तिये पाक ने मिसाल दिती सरकार ने सुना दिया सरकार आख्या ना उम्मीद मैं अनपढ़ा। पर क्या क्यों अनपढ़ा कि मेरा ये आम मदरसा नहीं जिसने भी जाई तो मैं पढ़ा। अर्शे औलाद बनी तै तो सरा तक सब कुछ मैं जानना है, जो कुछ इसने कायनात में पाया उसी आना क्या जड़ा भी उसी सरकार ने सब में जानना है। फिर मैं हकीकत पर मबनी गल की थी भाई अल्लाह पाक की ज़ात है असिया साड़ी बेपरवाह के नाल यारी है ना वो साड़े घर सुना तो ना असा उसकी गली में जाई सकते। मैं इस एग्जाम्पल पर गल की थी। फिर इलम कर दस्ते तुझा राया राय अरम खुल दुकाना गई। तारक आजम साहब का शेर बड़ा ही प्यारा मगर इसने एक अपना पैर आया असा बागे इरफान में बह के ते आखा किस तरह अर्शे यजदान दूर है ना मकान बोलू ला मकान दूर है ला मकान बोलू ना मकान दूर है। क्यों रब और इश्क जो मिलता मंजला नू वरना थला थुके च मकरान दूर है उसकी पहुंच ना सैफ खुदा थोड़ी जिसकी पहुंच अरबी सुल्तान दूर है। सैफ साहब आने मुहेदार सवाद बंदा दे दे मुहेदार सवाद बंदा दे दे है पर दुनिया की नादे लबान लोकी we
इस्लाम दे बारी ताला तो बाद चंद गल्ला नाते रसूले मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर तो एक शेर दाएं इकबाल मर्दे कलंदर ना ते सरकार हने ओए जमन मरन तू पाक या रब साडा जमन मरन तू पाक या रब साडा ना कुछ खांदा ना पींदा कलाम पढ़दा सरकारने शान मुस्तफा लिखना करा दावा